हेलो टू एवरीवन, ये अपना छोटा भाई है बिट्टू। आज का सेमीफाइनल मैच यहाँ सीतलपुर के ग्राउंड में होने जा रहा है और हम लोगों ने बिट्टू को बुलाया है कि हमारी टीम से खेले, अच्छा प्रदर्शन करे। भाई तुझे कोई नहीं समझ सकता, मेरे बारे में इतना मत सोचो। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं, और जिंदगी की सबसे बड़ी किक इसी में है। और इसके काफी फैंस हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग आए सिर्फ बिट्टू को देखने के लिए, स्पेशली कि बिट्टू का हम लोग चीप शॉट देखेंगे जो हम लोग सिखाते हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं बिट्टू अपना सारा टैलेंट यहाँ पे दिखाए, दर्शकों का एकदम जमावड़ा लगने वाला है बिट्टू के नाम से। स्टार्टिंग में तो बहुत सफल करना पड़ा था बैटिंग के लिए, बाद में फिर बिट्टू भी साथ में आए, बोले कॉन्फिडेंट रखो, मारो, लगेगा, लगा, बहुत लगा है। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. Guys, आप देख सकते हैं कि मैं अभी ग्राउंड में हूँ और ये ग्राउंड मुंगेर में है, मुंगेर सीतलपुर। तो अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे खेलने के लिए और मैं बता दूँ कि आज कोई मैच नहीं था मेरा, मैं रेस्ट कर रहा था और अचानक से मैच आ गया है। तो बिल्कुल सेमीफाइनल का ये मैच है और बहुत ज़बरदस्त मैच रहेगा और मुंगेर के जितने भी लोकल स्टार हैं, जो भी अच्छे अच्छे मुंगेर के प्लेयर हैं, तो सभी आज यहाँ पे दिखेंगे। तो अभी मैं आपको सभी से मिलाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये हमारे रोशन भैया और हमारी टीम के कैप्टन। तो भैया गाइज, हेलो टू एवरीवन, ये अपना छोटा भाई है बिट्टू। आज का सेमीफाइनल मैच यहाँ सीतलपुर के ग्राउंड में होने जा रहा है और हम लोगों ने बिट्टू को बुलाया है कि हमारी टीम से खेले, अच्छा प्रदर्शन करे। और एक अच्छा मुकाबला है ली स्पोर्टिंग के बनाम हम लोगों का मैच और हम उम्मीद करते हैं कि आज बहुत कुछ अच्छा देखने को मिले दर्शकों को बिट्टू। और इसके काफ़ी फैंस हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग आए सिर्फ बिट्टू को देखने के लिए, स्पेशली कि बिट्टू का हम लोग चीप शॉट देखेंगे जो हम लोग सिखाते हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं बिट्टू अपना सारा टैलेंट यहाँ पे दिखाए, दर्शकों का एकदम जमावड़ा लगने वाला है बिट्टू के नाम से। आप लोग भी सपोर्ट करें, लाइव बने रहें, बेस्ट ऑफ लक गाइज और गुड लक टू अस फॉर विनिंग द मैच। थैंक यू भैया। तो गाइज मैं बता दूं कि ये है रोशन भैया, जो कि पहले जमाना के, मतलब आज से 5 साल पहले ही क्रिकेट छोड़ चुके हैं, लेकिन हाँ जबरदस्त बैटिंग करते थे और अभी भी इनके पास उतना ही जोश है और अभी आए हुए हैं तो इनका जॉब है। बाकी अभी आज मैच था तो बुलाएं खेलने के लिए, तो अभी खेलते हैं। तो गाइस आज के हमारे ओपनर ये बाहुबली अंकुर। तो गाइस मैं बता दूं कि टॉस हो चुका है और टॉस कौन जीता भैया? टॉस अगेंस्ट टीम जीता ली स्पोर्टिंग। अच्छा, और वो फील्डिंग करेंगे तो हम लोग को बैटिंग करने के लिए दिया ना, बैटिंग कर दिया है। तो ये ग्राउंड तो आप खेले हुए यहाँ पे और लीग क्वार्टर तो आप ही खेले थे, मैं खेला नहीं था। तो कितना स्कोर बनता है यहाँ पे 12 ओवर में? 12 ओवर में कम से कम 190-200 करीब स्कोर चाहिए हम लोग को, तभी जीत पाएंगे क्योंकि अगला टीम बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर है। बिल्कुल। तो भैया ने जैसा बताया कि 180 रन चाहिए, तो 180 रन 12 ओवर में? जी बिल्कुल, तभी जीत पाएंगे जी, क्योंकि इतना छोटा ग्राउंड है कि फील्डिंग भी करता तो 6 रन हो जाता है इसमें। हाँ ये बात तो सही है। और आगे आपको लैब भी देखा जाएगा इस मैदान का। बिल्कुल गाइस आपको दिखेगा कि क्या क्या होता है। और अभी रॉबिन गए हैं बैटिंग के लिए, रॉबिन और सागर भैया, तो बिल्कुल उसका बैटिंग आपको दिखेगा। अच्छी गेंद, उतनी ही अच्छी तरीके से सम्मान दिया इस पहली बॉल को, नजर आ रही है काफी अच्छी मिश्रण इस गेंद में, बल्लेबाज को थोड़ा भी समझ नहीं आया। शॉर्ट बॉल, और इस शॉर्ट बॉल पे लंबा छक्का आप देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैट्समैन काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे उठा कमाना मौका बन सकता है, यहाँ पे मौका बन सकता है, लेकिन खिपेले से काफी दूर खेला गया ऑफ स्टंप 6 रनों के लिए। अच्छी
बल्लेबाजी सागर के बल्ले से आप देखने को मिल सकता है, इनके बल्ले से निकलता हुआ शानदार दूसरा छक्का। शॉर्ट गेंद थर्ड मैन के दिशा में लंबा छक्का रोनी के बल्ले से, फिर से शॉर्ट बॉल, फिर से थर्ड मैन की दिशा में उठा के खेल दिया लंबा छक्का। काफी अच्छी बैटिंग आप देख सकते हैं रोनी के बल्ले से निकलता हुआ। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 27 रन। काफी अच्छा शॉट, काफी अच्छा शॉट, लंबा छक्का स्टेप आउट करके। काफी अच्छा हेलीकॉप्टर टाइप शॉट पर यहाँ पे जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। काफी अच्छा प्रयास था गेंदबाज के द्वारा। फिर से अगली गेंद गगन का, फिर से शॉर्ट बॉल, लंबा छक्का, विशाल छक्का जैसा कि आप देख सकते हैं। अगली गेंद फिर से लंबा छक्का रोनी के बल्ले से निकलता हुआ यह लंबा छक्का। अच्छा शॉट 6 रनों के लिए। सात ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन गैलेक्सी 11 का स्कोर बोर्ड। यहां पे मौका बन सकता है विकेट का राजीव गेंद के नीचे और यहां पे विकास का विकेट मिलता हुआ काफी बड़ा। और अब नए बल्लेबाज जो कि पिट्टू मैक्सी के नाम से विश्वविख्यात है, देखते हैं क्या अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। इनके बारे में मैंने सुना है कि ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। और अगली गेंद रोमी का हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ है और लंबा छक्का। अगर रोमी अगर 50 रन पुराते हैं अपना व्यक्तिगत स्कोर तो उन्हें है। ओ 50 पूर चुका है। एक बार जोर तालियों से इनका स्वागत करें दर्शक वन, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से लंबा छक्का लेग साइड थर्ड मैन की दिशा की ओर और गोल पे काफी हावी हो चुके हैं रोमी। काफी खतरनाक अपने 50 पूरा करने के बाद नजर आ रहे हैं। और चौथा छक्का, व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग, नाइस बैटिंग। ओ अच्छी गेंद मिस कर गए लेकिन उतनी अच्छी क्षेत्ररक्षण थर्ड मैन की दिशा की ओर। इस ग्राउंड पे पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। वाड़ा हिट पहले ही बॉल पे लंबा छक्का। ओ वाड़ा हिट 4 रन। अगली गेंद, ओ व्हाट अ हिट रोमी का, जो काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। शॉर्ट बॉल थर्ड मैन की दिशा के ऊपर से खेला हुआ लंबा छक्का। विप्लव की अगली गेंद निकाल मार लेकर आए हैं। शॉर्ट बॉल लंबा छक्का। अगली गेंद विप्लव का रॉबिन के लिए, फिर से लंबा छक्का। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं रोमी, गर्दा उड़ा दिए हैं। अगली गेंद, व्हाट अ सिक्स, और यहां से आप 94 रन के निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं। और यहां पे 16 पूरा हुआ है रोमी का। और यहां पे 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 192। तो फाइनली गाइस बैटिंग हो चुका है ख़त्म और यहाँ देखिए आप कौन है रॉबिन। तो बिल्कुल आज रॉबिन ने सेंचुरी लगा दिया है, टोटल स्कोर 194 बना है और 195 में जीत है और जिसमें कि अकेले रॉबिन ने 100 रन बनाया है। तो रॉबिन कुछ कहना चाहोगे?
स्टार्टिंग में तो बहुत सफल करना पड़ा था बैटिंग के लिए, बाद में फिर बिट्टू भैया साथ में आए, बोले कॉन्फिडेंट रखो मारो लगेगा, लगा बहुत लगा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत लगा, जो कि आपको दिखा होगा तो अच्छा खेला रहा अभी अच्छा। और गाइज मैं बता दूं कि अभी 195 रन चाहिए जीत के लिए, और देखना है कि 12 ओवर में अगेंस्ट टीम चेस कर पाती है या नहीं, वो भी अगर कैमरामैन मेरा साथ हुआ तो बिल्कुल वो आपको दिखेगा। और ये फुल टॉस बॉल, गैप में चौका मिला है मुंगेर टीम को, पहला चौका लगते हुए ले। और ये पहला ही बॉल स्टेट में उठाया है, और ये काफी लंबा, और ये क्या कैच सीधा फील्डर के हाथ में दे चुके हैं, और ये लंबा हिट लगा है बिल्कुल बैटों के बीचों बीच, और ये 6 रन। और ये लंबा खेलते हुए बॉल हवा में और फील्डर नीचे, और ये आउट, ये दूसरा विकेट। और ये फिर दोनों उठाया, और ये क्या फील्डर के हाथों में सीधा दूसरा विकेट मिलते हुए, और लंबा एरिया में बहुत ही बड़ा छक्का दे सकते हैं आप रेलिंग 11 वर्सेस, और यहाँ पे बैक टू बैक सिक्सेस, बैक टू बैक सिक्सेस बता दो, आज फाइनल भी मैच है। और लंबा सिक्स, लंबा लगातार तीसरा छक्का राजीव के पल्ले से निकलता हुआ। फिर से एक बार बताना चाहूंगा दर्शकों को, कृपया मोटरसाइकिल साइकिल को बाहर करें, और लगातार चौथा छक्का, क्या बैटिंग है, बैटिंग 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 72 रन। अगली गेंद, तो फाइनली गाइस हम लोग ये मैच जीत गए, और 194 रन का लक्ष्य था जो कि बहुत बड़ा था, लेकिन हाँ ये टीम भी बहुत अच्छी खेली। एक बल्लेबाज थे जो कि लगातार 5 छक्का लगा दिया था एक बॉलर को, और पता नहीं वो वीडियो में आया कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मैच हम लोग जीत गए और सेमीफाइनल हो गया ख़त्म, और फाइनल का ब्लॉग अब तक बहुत जल्द आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं बता दूँ कि मैन ऑफ द मैच रॉबिन है जो कि अभी यहाँ तो नहीं है, उनको कुछ काम था तो वो चले गए हैं। ओके बाय बाय।